नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक जॉब के बारे में, जिसमें ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर का जॉब है। दूसरा है इंडसइंड बैंक जॉब, जिसमें कि रिलेशनशिप मैनेजर है। ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर और ओनली रिलेशनशिप मैनेजर में क्या अंतर है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। टेक महिंद्रा वर्क फ्रॉम होम जॉब है दोस्तों, ये इसमें भी क्या डिटेल्स है वो भी आपको बताऊंगा। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है, ये भी वर्क फ्रॉम होम जॉब है, ठीक है दोस्तों। देखिए, ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर और रिलेशनशिप मैनेजर में ये होता है कि रिलेशनशिप मैनेजर आपको एज ए कोई फ्रेशर भी ज्वाइन कर सकता है और एक्सपीरियंस भी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन जैसे रिलेशनशिप मैनेजर में यदि आप 1-2 साल, 3 साल, 3 से 4 साल यदि आपके एक्सपीरियंस हो जाते हो, तब जाके आपको ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर का पोस्ट दिया जाता है। ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर में कम से कम 10 ब्रांचेस होते हैं, जहाँ पे हर एक ब्रांच के साथ आपको कुछ ना कुछ टाई अप रहते हैं और हर एक ब्रांच में आपका कुछ कैंडिडेट रहते हैं, जहाँ पे आपको उनके साथ जो है रिलेशनशिप बना के उनके द्वारा बिजनेस करना होता है। टेक महिंद्रा जॉब जो वर्क फ्रॉम होम जॉब है और बाकी का ये जो जॉब है, इसमें भी हम आगे बात करेंगे। और दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन भी दबाइए यहाँ पे, तो हमारे जितने भी जॉब नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको पहुंचेंगे। दोस्तों, इसके अलावा आप हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और शेयर चैट से भी जुड़ सकते हो। यहाँ पे जाके आप हमसे 1-to-1 कम्युनिकेशन कर सकते हो। शेयर चैट में जाइए, यहाँ पे हम अवेलेबल रहते हैं मॉर्निंग 6 लेकर के नाइट 9-10-11 बजे तक रहते हैं। शेयर चैट में भी जाके आप कमेंट कर सकते हो, इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके चेक कर सकते हो। दोस्तों, बात अभी करते हैं हमारे वेबसाइट में, इसका लिंक मैंने प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पे जाके जैसे आप ओपन करेंगे तो जितने भी जॉब्स मैंने बताया है ये आप 2-day jobs के अंदर आपको दिखाई देगा, नहीं तो आप बैंकिंग जॉब के लिए बैंकिंग जॉब में दिखाई देगा या गवर्नमेंट जॉब के लिए, अलग अलग मैंने यहाँ पे ऑप्शन बना के रखा है, आप यहाँ पे जाकर चेक भी कर सकते हो। तो सबसे पहले कोटक महिंद्रा की जॉब के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक ये है ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर और इनके लिए जो है दोस्तों आपको फुल टाइम परमानेंट जॉब है। जॉब डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है क्या क्या आपको करना होगा। यदि आपको अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे मोर डिटेल है, यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हो। एज लिमिट दोस्तों यहाँ पे अप टू 32 ईयर्स तक आपको यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे जो एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ पे एक्सपीरियंस अप टू 4 ईयर्स तक जो है हायर कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएशन कर रखा हो, रिसेंटली पास आउट है, तो भी आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, इसका अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे जो सैलरी है वो बहुत बढ़िया सैलरी है, करीब यहाँ पे 6.5 लाख पर एनम जो सैलरी आपको प्रोवाइड कर रहा है। यदि इस जॉब में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे आपको एचआर का कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, कैसे अप्लाई करना है, इनका लिंक मैंने दे दिया है, यहाँ पे क्लिक करके जाके आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगला जॉब के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये जो जॉब है इंडसइंड बैंक है, जिसमें कि रिलेशनशिप मैनेजर है। यहाँ पे भी दोस्तों आप फुल टाइम जॉब है, परमानेंट जॉब है यहाँ पे। और इसी पोस्ट के लिए फिलहाल दोस्तों इंडसइंड बैंक में आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, डायरेक्ट कंपनी का है, इसलिए यहाँ पे 25 से लेकर 30 ईयर्स लिमिट दिया है। एक्सपीरियंस दोस्तों इसी जॉब के लिए फिलहाल 3-8 ईयर्स का एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है। क्वालिफिकेशन कोई भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बहुत बढ़िया सैलरी यहाँ पे दे रहा है इंडसइंड बैंक, 4 लाख से लेकर 9 लाख रुपीज पर एनम तक सैलरी यहाँ पे दिया रहा है। यदि आप इंटरेस्टेड हो इस जॉब के लिए तो यहाँ पे पूरा डिटेल मेंशन है, क्लिक हियर करके आप वहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह, ईमेल एड्रेस ले सकते हो। दोस्तों, अगला जो बात करते हैं वर्क फ्रॉम होम, ये है टेक महिंद्रा कंपनी में। और टेक महिंद्रा और कोटक महिंद्रा बैंक दोनों ही अलग ग्रुप एक है, लेकिन अलग अलग इसका काम है, ठीक है। टेक महिंद्रा जो है सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन कंपनी है। दोस्तों, यहाँ पे टेक महिंद्रा लिमिटेड का जो आपको पोजिशन मिलेगा ये है कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट है, फुल टाइम जॉब है दोस्तों, और एक वर्क फ्रॉम होम जॉब है। ये जॉब आपको कैसे मिलेगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें जो है आपको कंपनी में वॉक इन इंटरव्यू जाना है, और कंपनी में इंटरव्यू जाने के बाद यदि आप सिलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद आपका जो काम है वो घर बैठे आप कर सकते हो। बाकी के डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है, मोर डिटेल में क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स है और यहाँ पे ग्रेजुएट होना जरूरी है। सैलरी 1,25,000 से सैलरी आपको मिलेगा। कौन से लोकेशन पे आपको इंटरव्यू में जाना है उसी के लिए यहाँ पे एड्रेस मैंने मेंशन कर रखा है, क्लिक हियर में क्लिक कीजिए और वहां से आप एड्रेस लेके आप इंटरव्यू में जा सकते हो। दोस्तों, अगला जॉब बात करते हैं, ये जो जॉब है दोस्तों वर्क फ्रॉम होम, ये है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है। वर्क फ्रॉम होम भी आप इस जॉब के लिए कर सकते हो। और इसके लिए दोस्तों क्या क्या आपको करना पड़ेगा, सब कुछ डिटेल मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मेंशन कर रखा है। एक्चुअली ये जो कंपनी है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का जो पोस्ट आपको देंगे, इसके लिए दोस्तों आपको कंपनी के पास कुछ आपको ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड कस्टमर रहते हैं, जो कस्टमर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में ठीक है रजिस्टर करते हैं, उनको ही जो है
आपको कॉल करना है और उनके सेल्स वहां से ही आपको लीड जनरेशन करना है या सेल्स को जो है वहां पे सेल्स करना है, एक तरीके डायरेक्ट भी आप बोल सकते हो। तो यदि आप सेल्स में या नहीं तो गुड कम्युनिकेशन है आपका, तो इस जॉब के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। इसमें मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स है, फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट इसका क्वालिफिकेशन दिया गया है। सैलरी दोस्तों बहुत बढ़िया सैलरी है, 6 लाख से लेकर के 9 लाख रुपए पर एनम तक सैलरी यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि लगभग लगभग दोस्तों आपको 40,000 रुपए का आसपास सैलरी आपको मिल जाएगा कम से कम। तो आप बिल्कुल चाहिए और इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। और वर्क फ्रॉम होम जॉब है तो लोकेशन की कोई बात नहीं है। एचआर का कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस जानना है तो यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से क्लिक करके आप ले सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।